मोहम्मद मौजू यानी मालदीव के राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति श्री जिनपिंग के बीच एक बड़ी डील हुई है। इस डील के बाद सब हैरान है। दरअसल मोहम्मद मौजू ने पिछले साल चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति का पद संभाला। मौजू के परिवार को संभालते ही मालदीव और चीन के रिश्तों में मजबूती आई। राष्ट्रपति मौजू लगातार चीन के साथ संबंधों को बेहतर करने के इच्छुक दिखे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू ने जनवरी में चीन का दौरा भी किया था। जब मोहम्मद मौजू चीन गए तो अपने देश के लिए चीन के साथ कई समझौते भी करके आए। दोनों देशों के बीच सैन्य समझौता भी हुआ। चीन के समझौते में मालदीव को ज्यादा सैन्य सहायता देने का भरोसा भी दिया। लेकिन अब हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू ने कहा है कि चीन मालदीव की राजधानी माले की सड़कों की मरम्मत करेगा। मौजू ने बताया कि चीन फ्री में माले में सभी सड़कों के पुनर्विकास की व्यवस्था कर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू के बयान मुझे तो हजम नहीं हो रहे। हाँ, चीन मालदीव में सड़कें बना सकता है, लेकिन उसके बदले चीन जरूर कोई बड़ा दाव खेल रहा होगा। चीन स्वार्थी और पूरी दुनिया को वश में करना चाहता है, इसलिए चीन जरूर कुछ बड़ा सोच रहा होगा। चीन मालदीव को अपने ट्रैप में फंसाने का पहला कदम बढ़ा रहा है। हाल ही के समय में चीन ने मालदीव सरकार से कई अन्य वायदे भी किए हैं। अभी कितने पूरे होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू मालदीव की पहली वाली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि MDP की सरकार माले की सड़कें का पुनर्विकास करने और देश के बाकी कई बेहद देशों के लिए आवास बनाने में असफल रही है। लेकिन आदरणीय मोहम्मद मौजू जी, MDP ने चीन से सड़कें बनवाकर अपने ऊपर कर्ज का बोझ तो नहीं लिया? छह, अब चीन फ्री में सड़कें बना रहा हो, लेकिन चीन का एहसान तो आप पर रहेगा और आप हमेशा चीन की गुलामी करते रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले उचित योजनाओं के बिना गुलफिला और जिरावर लैगून से भूमि के भूखंड देने की पिछली सरकार के फैसले को भी मालदीव के राष्ट्रपति ने पुरानी सरकार MDP को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ खाली भूखंड है, इसमें बुनियादी जरूरत अस्पताल, स्कूल, सड़कें और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रों के लिए जमीन भी नहीं है। मालदीव आने वाले समय में चीनी कर्ज के नीचे डूबने वाला है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू चीनी विचारधारा के व्यक्ति हैं और वो चीन के साथ लगातार संबंध बना रहे हैं। मालदीव के सब टापू अब चीन के होने वाले हैं, ये मैं लिख कर देता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना गाइस। थैंक यू, गुड बाय एंड जय हिंद एंड जय भारत।